मैं हूँ विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा विथ मिराकल में। अगर हम वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली अब सेट सीरीज़ के रूप में आपको मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इसको आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो मैथ का है, जो VVI क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके ही दिखाऊंगा, और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा, जो आप एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स मॉडल पेपर बिहार बोर्ड, जो आपको VVI क्वेश्चन के आधारित आपको क्वेश्चन दिया गया है, और मैं उसको सॉल्व करके एक एक करके मैं आपको कंसेप्ट को देते रहूँगा और आपकी कमियाँ को दूर करते रहूँगा। तो आप इसको वीडियो को पुश मत कीजिएगा, आप वीडियो को अंत से शुरू तक देखिएगा, तभी तो आपको यह पता लगेगा कि कैसे कैसे किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो मैं आपको डेली 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन दिया है नहीं, दूसरा में दिया है हाँ, तीसरा में दिया है ए और बी दोनों, और डी में लिखा है कहा नहीं जा सकता। तो लिखा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, इसका ऑप्शन होगा आपका नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। वास्तविक संख्याएं, ये जो वास्तविक संख्याएं होती है वह तो परिमेय भी होती है और क्या होती है, अपरिमेय भी होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 के शून्यकों का योग क्या है? क्वेश्चन दिया है कि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 के शून्यकों का योग क्या है? तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है कि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+c के 6 के शून्यकों का योग क्या है? तो शून्यकों का योग मतलब कि आपको पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई के तो मान क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस माइनस 5 बाई ए मतलब 1। तो क्या आया आपका, 5 आया। कितना आया आपका, 5 आया। तो यानी कि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 के शून्यकों का योग क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्या होगा, 5। क्या हो गया, 5। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एस स्क्वायर प्लस 5x-6 = 0 का घात क्या होगा? लिखा है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण एस स्क्वायर प्लस 5x-6 = 0 का घात क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं कि द्विघात समीकरण है चूंकि, तो द्विघात समीकरण का मतलब कितना होता है, घात 2। द्विघात समीकरण का मतलब कितना होता है, घात 2 आपका होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि √2 1 है, √2 क्या है? पहला में है परिमेय संख्या, दूसरा में है अपरिमेय संख्या, तीसरा में है प्राकृत संख्या, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि रूट यहाँ पर जो है क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है, यह क्या है, अपूर्णांक है। तो अपूर्णांक संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है, इसलिए आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। फाइव में कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है? तो चूंकि मौसम अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 को अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारा 2 है, 3 है और 5 है, कि 2, 3, 5 को अगर हम क्या करते हैं, इनका HCF निकालते हैं, तो कितना आएगा आंसर, 2 से 3 डिवाइड करते कितना होगा, 1। चाहे 3 से 5 में HCF निकालते क्या आएगा, 1। इसलिए आपको क्या होगा, 5 का
ये सही होगा। सिक्स में कहता है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला कहते हैं माइनस बी बाई ए। तो ये आपका दिया है कि एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस चार दिया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बराबर वन है, बी बराबर क्या है माइनस वन है, सी बराबर क्या है फोर है। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर क्या है, एक्स पर क्या है वन है, तो माइनस वन, तो माइनस वन माइनस माइनस वो क्या होता है प्लस वन बाई वन, वन वन क्या हो गया वन, यानी क्या हो गया वन। तो आपका आंसर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए। तो माइनस वन अब माइनस में दिया है तो माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, तो वन बाई वन क्या हो गया वन। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, वन आया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया सी। कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होती है, कितनी होती है दो, इसलिए आपका क्या सात का ऑप्शन ये सही है। कहता है यदि बहुपद पी एक्स बराबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पाँच के शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान क्या होगा। तो यदि बहुपद पी एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस पाँच के शून्यक ए बी हो, तो ए बी का मान क्या होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर, फार्मूला क्या है सी बाई ए। सी कितना है आपका, फाइव है, और ए कितना है वन, क्या है वन, तो सी बाई ए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी बाई ए का आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी बाई ए। तो सी बाई ए का मान कितना है, फाइव आया है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। तो रैखिक समीकरण जो होता है, रैखिक समीकरण का घात हमेशा क्या होता है, एक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। पता है युगपत समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पाँच, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर नाइन है, तो निकाय क्या है। ए में दिया है असंगत, बी में दिया है अद्वितीय हल, और सी में दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है, कि टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फाइव, और इसमें दिया है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर नाइन। तो हम यहाँ पर लिख जानते हैं ए वन बट्टा ए टू, तो ए वन बट्टा ए टू आपका क्या हो जाएगा, टू बट्टा फोर वन बाई टू। बी वन बट्टा बी टू, क्या है थ्री बाई सिक्स वन बाई टू। और आपका सी वन बट्टा सी टू, निकालते हैं तो आपका आएगा माइनस फाइव बाई माइनस नाइन। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए वन बट्टा ए टू बराबर है बी वन बट्टा बी टू, जो कि बराबर नहीं है सी वन बट्टा सी टू। तो क्या होता है, यह आपका किस चीज़ का फॉर्मूला है, असंगत का फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है असंगत। तो इसलिए आपका युगपत समीकरण टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर फाइव और फोर एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर नाइन का निकाय क्या होगा, असंगत होगा, क्या होगा असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर सात तथा टू एक्स प्लस के वाई बराबर चौदह समपाती होंगे। कहता है k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस टू वाई बराबर सेवन तथा टू एक्स प्लस के वाई बराबर, फोर्टीन समपाती होंगे। तो यह क्वेश्चन आपका जो दिया है, तो यह आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि एक्स प्लस टू वाई माइनस सात बराबर जीरो, और
दिया है 2x + ky - 14 = 0। तो प्रश्न कह रहा था k के किस मान के लिए क्या हुआ संपाति, संपाति कब होगा, तो संपाति होता है a1 / a2 = b1 / b2। तो a1 क्या है आपका 1 है और a2 क्या है 2 है, b1 क्या है 2 है और b2 क्या है, b2 आपका k है। तो इसलिए k बराबर क्या हो गया 2 2 जा 4, क्या हो गया 2 2 जा 4। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि k के किस मान के लिए इतना इतना बराबर क्या होगा संपाति होगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर क्या है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद बहुपद 4s² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, बहुपद 4s² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो क्वेश्चन जो आपको दिया है कि मूलों का गुणनफल में, तो आपको दिया है कि 4s² - 4x + 1। तो यहाँ पर आपका ए क्या है 4, बी क्या है -4 और सी क्या है 1। तो यहाँ पर बोला है कि आपको मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल यानी कि α×β फार्मूला क्या होता है c/a। तो सी कितना है आपका 1 और ए कितना है 4, यानी कि α×β/c/a तो क्या होगा 1/4, यानी क्या होगा बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा 1/4, यानी कि क्या होगा सी सही हो गया, क्या हुआ सी सही हुआ। 14 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px = 2s² + 3x - 4 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिखा है कि यदि द्विघात बहुपद px = 2s² + 3x - 14 = 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है कि 2s² + 3x - 4 = 0। तो a = 2 है, b = 3 है और c = -4। एस स्क्वायर के बगल वाले को a कहते हैं, x के बगल वाले को b कहते हैं और c जो है आपका कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है -b/a। तो b क्या है आपका 3 है तो -3 और a क्या है 2 है तो क्या गया -3/2। तो इसमें क्या है आपका देखिए कहाँ आ रहा है -3/2, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण s² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण s² + x - 2 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन दिया है आपका s² + x - 2 = 0। यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b = 1 और c = क्या दिया है -2। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a और -b मतलब कि -1/1 और α×β निकालेंगे तो c/a होगा। तो c कितना है आपका -2 और ए कितना है 1। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/α + 1/β, तो 1/α + 1/β इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा α×β और ये ऊपर जाकर हो जाता क्या हो जाएगा β + α और α+β का मान कितना आया है -1 और α×β का मान कितना आया है -2। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो देखिए इसमें कहाँ दिया है क्वेश्चन कि 1/α तथा बीटा द्विघात समीकरण s² + x - 2 = 0 के मूल हो तो
वन बाई अल्फा फाइनल में बीटा का मान कितना आया, तो आपका आंसर है 1/2। इसलिए 15 का क्या आंसर सही है, 15। 15 का कौन सा सही है, इसलिए 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, तो कहता है कि डी जो है, या आपका डी जो है वह बड़ा है किसी से, जीरो से बड़ा है। डी क्या है, जीरो से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, अवास्तविक और समान। तो उस क्या होता है कि जब डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होता है तो उसमें आंसर आता है आपके मूल वास्तविक और असमान होते हैं, असमान मतलब भिन्न होते हैं। ये कहता है कि द्विघात समीकरण 3s² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण 3s² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान क्या होगा। तो विवेचक का मतलब क्या होता है आपको देखिए, कि 3s² - 2x + 1/3 = क्या दिया है, 0। तो इसको विवेचक का मान का निकालना है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, 3, बी बराबर क्या है, 2, सी बराबर क्या है, 1/3। तो विवेचक का मतलब होता है विवेचक, विवेचक यानी कि डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो बी कितना है आपका, 2, 2k² - 4, a की जगह पर 3 और सी के जगह पर क्या है, 1/3। यह 3 क्या हो गया, क्रस हो गया, या आपका हो गया 4 - 4 क्या हो गया, 0। यानी कि विवेचक जब भी क्या है, तो डी बराबर b² - 4ac जब सब कह, तो 100 क्या आ गया, 4 - 4 = 0। तो देखिए आपका 0 कहाँ है, यह आपका 0 है, 17 का क्या हो गया, 1। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, यदि आप 4x + 6 = 0 होते हैं तो रैखिक है, s² - bx + c = 0, यह क्या आपका द्विघात दिया है, और यहाँ पर देखिए s·x + 3 = s² और यहाँ पर दिया s² + 1 − s² = 2। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण हमें क्या होता है, द्विघात समीकरण हमेशा 0 के इक्वल होता है, इसलिए क्या होगा आपका, बी हो गया। अब कहता है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर मतलब क्या होता है, डी और डी के फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 आपका कितना है, 10 है, और -4 क्या हो गया, 6। कि सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर डी बराबर होता है A2 - A1, तो 10 - 4 कितना हो गया, 6, इसलिए आपका इनमें से क्या हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब AP के प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्व अंतर 3 हो तो तब AP के 3 पद क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको a बराबर दिया है, यहाँ पर a बराबर आपको दिया है 2 और d बराबर क्या दिया है, 3। तो A2 बराबर क्या होता है, फार्मूला A+D होता है, तो A+D कितना हो गया, 5। और A3 बराबर क्या होता है, फार्मूला A+2D, तो A कितना है आपका, 2, और 2 × D कितना है, 3, तो क्या 2 + 6 कितना हुआ, 8। इसलिए आपका A1, A2 और A3, तो A1 कितना है, 2, A2 कितना है, 5, और A3 कितना है, 8। तो क्या हुआ आपका आंसर, हुआ कि 269 ए नहीं है, ये आ गया 258, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन कि यदि यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। तो इसको भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कि सामान्य पद मतलब होता है an, an बराबर दिया है
3n+5। यहाँ पर दिया है कि एपी का सामान्य पद an=3n+5, तो इसका सामान पद, तो अगर हम यहाँ पर n के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 3 इंटू इसके जगह पर 1 पर पुट करेंगे क्या होगा 5, तो 3 बन जाए 3 5 8। अब क्या कहते हैं 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू इस n के जगह पर क्या लिखेंगे 2+5, तो 3 2 जाए 6 5 18। इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1। तो a2 कितना है आपका 11 - 8, क्या हो गया 3। तो इसमें देखिए आप कितना होगा कि ap का सामान्य पद 3n+5 है, तो इसका सार व अंतर क्या होगा, तो आपका आंसर मन गया क्या सी। फिर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, यदि किसी ap का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका विषुवत पद क्या होगा। यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका विषुवत पद क्या होगा। तो इसको भी क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो लिखा है कि 22 नंबर में कि एपी का छठा पद यानी कि ए सिक्स आपको दिया है 13, तो ए सिक्स का मतलब होता है a+5d बराबर क्या हो गया 13, इक्वेशन फर्स्ट। और 12वां का मतलब a12 दिया है आपको 25, तो सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा a+11d क्या हो गया 25, इक्वेशन सेकेंड हुआ ही। हम दोनों को क्या करते हैं घटाते हैं, a+5d = 13 हो गया, a+11d = 25। दोनों क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये हो गया कट जाएगा, ये हो गया -6d = यह हो गया -12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 2। अब d आपका 2 निकला, तो d का वैल्यू हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, तो हो जाएगा a+5 × और d का वैल्यू कितना आया है 2 = 13, तो a+10 = 13। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 13 - 10 कितना हुआ 3। और आपको बोला है कौन सा पद निकालना है, विश्व पद, तो इसलिए a20 का फॉर्मूला क्या होता है a+19d, तो ए कितना है आपका, ए आपका आया 3+19 और डी के मतलब 2, तो ये हो गया 3+19 = 38, ये हो गया 41। तो इसमें देखिए अभी कौन सा है 41 आया है, 41 तो कौन हो गया आपका 41 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 में अनुक्रम 5 7 9 11 .. का कौन सा पद 27 है। अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, तो इसको हम क्या कर रहा है कि n निकालने को बोल रहा है, तो इसको n कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर a बराबर दिया है आपका 5 d, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 5 2 और an आपका दिया है 27, तो n निकालना है, तो an बराबर a+n-1 × d 27, ए कितना है 5 और n-1 d कितना है 2, 27 - 5 यह हो जाएगा 2n-2, तो हो जाएगा 22, यह माइनस है तो क्या हो जाएगा +2 = 2n, यह हो जाएगा 24 = 2n और n बराबर हो जाएगा 22/2 हो जाएगा 12, तो कौन सा पद आया 12वां पद आया, तो 12वां क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कहता है त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डीई पैरेलल बीसी तथा बीसी बराबर 8 cm, तब डीई का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु
मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी तथा बी सी बराबर 8, तब डी ई के मान क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएं। तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये आपका हो गया ए बी सी, क्या हुआ ए बी सी, और यह बोलता है कि एक पॉइंट डी है, डी ई, और यह चूंकि ए बी और ए सी का क्या है मिड पॉइंट है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि बी सी बराबर क्या दिया है, बी सी बराबर दे दिया है 8, तो कह रहा है डी ई क्या होगा। तो यह कंडीशन आपका है कि अगर डी ई समांतर बी सी है तो डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, और डी ई ए बी और ए सी क्या है मिड पॉइंट है, तो आपका जो डी ई होगा वह बी सी का क्या होगा आधा होगा, तो 8/2 क्या हो गया 4 सी, तो क्या होगा आपका 24/20 क्या हो जाएगा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4.9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके संगत क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के वर्गमूल अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा कि अगर दो ट्रायंगल को मानते हैं तो एरिया ट्रायंगल किसी, अगर एक को ए बी सी मानते हैं और एक को हम अगर पी क्यू आर मानते हैं, तो उसका एरिया क्या होता है, उसके भुजा जो होता है भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 16/18, क्यों, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात, तो समरूप त्रिभुज हो, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है दिया हो तो उनका क्षेत्रफल पता करना हो तो उनके वर्गों का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। ये आपको थ्योरम भी है जो मैंने आपको प्रूफ कराया, आपके वीडियो अपलोड कर चुका है। तो उनकी संगत भुजा हो, संगत माध्यिका हो या संगत ऊंचाई हो, उसका अनुपात अगर दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर। तो हो गया, क्या हो गया कि दो समरूप त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके संगत क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, तो 16/1981। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर कर रहा है कि यदि L पैरेलल M हो तो D का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि L पैरेलल M हो तो D का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि यह L जो है इस M के आ गया है, पैरेलल है, समानांतर है, और चूंकि यह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंदर में एंगल है, तो यह तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग जो इसका योगफल क्या होता है 180 होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने कोण होते हैं उसका जोड़ क्या होता है 180 डिग्री के क्या होता है इक्वल होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3D और 2D, कितना हो जाएगा 5D, और यह हो जाएगा 70/180, तो D बराबर हो जाएगा 180-70/2, यह हो जाएगा 0, यह हो गया 1, यह हो गया क्या आपका 2, यहाँ पर 5 ना है, यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर जाएगा 5, यह 22। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनता है उसका जोड़ कितना होता है 180, तो 3D + 50 + 2D + 20 = 18, और आप क्या करेंगे डी का वैल्यू 3, 2, 5D, 50 और 20, 70, 18, तो 80 में 70 के 110 और 5D है 30/5 हो गया 22 डिग्री, किसी जगह 1। कर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, यह थेल्स ने कहा, किसने कहा थेल्स ने कहा।
कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्र समान रहता है, किसने कहा? थेल्स ने कहा। बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? तो बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है? माइनस। तो आप याद कर लीजिए कि यह आपका क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है। तो अगर इसको हम क्या मानते हैं? एक्स एक्स डैश, इसको हम वाई वाई डैश मानते हैं। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसका चिन्ह होता है प्लस प्लस, या सेकंड जो होता है उसका होता है माइनस प्लस, थर्ड जो होता है माइनस माइनस, और फोर्थ जो होता है प्लस माइनस। तो फर्स्ट वाला को प्लस प्लस, सेकंड वाला को माइनस प्लस, थर्ड वाला को माइनस माइनस, और फोर्थ वाले को प्लस 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 माइनस। तो किस में आया आपको? जो आपको ये दिया है, ये दिया है जो आपको कि 4, -3, तो 4, -3 या प्लस, ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस किस में आएगा? प्लस माइनस आपका आ जाएगा किस में आएगा? प्लस माइनस, तो चतुर्थ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि प्लस माइनस हो तो किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि के मान क्या है? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि के मान क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया है कि यह आपका एक्स है, यह क्या है? वाई। तो एक्स वालों को हम भुज कहते हैं और वाई वालों को क्या कहते हैं? कोटि। तो कोटि यहाँ पर क्या है आपका? 4 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? बी। 31 कहता है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला। दिया है, एक दिया है 2,3 और एक दिया है -2,3, -2,3। तो फार्मूला क्या आता है? रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? -4 के स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा 4 इकाई। तो कितना आया आपका? आपका ये जो आया है यहाँ पर देखिए आपको क्या है? 4 दिया कि बिंदु 2,3 एवं -3,2 के बीच दिया है। तो फॉर्मूला आता है x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला फोर, इसलिए क्या आपका सही है? 4। कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो मूल बिंदु से अगर आपको दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आता है √s² + y² √s² था। रूट अंडर एक्स क्या दिया है आपका? एक्स दिया है 2, वाई दिया है 3। यह आ गया 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये जगह 4 + 9, ये हो जाएगा √13 इकाई। कितना है? √13 इकाई। तो √13 इकाई देखिए क्या है आपका? 32 में दिया है आपका, 32 में दिया है कि यहाँ पर -13 यह है। 33 में कि tan π/2 का मान क्या होगा? तो tan π/2 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनफिनिटिव। क्योंकि tan 0 का मान क्या होता है? 0। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। tan 45 का मान 1। tan 60 का मान √3। और यह 0 जो है, 0 का है या किसका है? 60 का है या 30 का है या आपका क्या है? 90 का है। तो अपरिभाषित होता है। 34 में दिया है 1/√3 का मान क्या है? tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूले में आप याद किए होंगे साइन कॉस टेन का मान। तो टेन तीस टेन साठ का मान तो होगा नहीं, टेन साठ का मान होता है √3।
45 के मान होता है 1/√2, और 37 के मान क्या होता है, 37 के मान होता है 1/2, और 33 के मान क्या होता है, 33 के मान, 33 के मान क्या होता है 1/√3। इसलिए आपका क्या होगा, यह डी नंबर क्या हो जाएगा सही। 35 में है कि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या है, तो सेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक के स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, यह आपका सी ही होगा। क्यों सी होगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए आपका सही है। अब आता है साइन, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 होता है, तो 180 को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो यह है आपका लिखा है साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, तो साइन 180 बाई 4 माइनस कॉस 180 बाई 4, तो यह कटेगा तो हो जाएगा साइन 45 माइनस हो जाएगा कॉस 45, तो साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2 दोनों कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 मान क्या होगा 0, इसलिए बी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होगा, तो वृत्त के केंद्र पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का, अर्धवृत्त का कोण बना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, वृत्त का आधा 360 का आधा क्या होता है 180। कहता है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो बाह्य बिंदु से जो है आपको बाह्य बिंदु, यह आपका वृत्त हो गया, इस वृत्त से आप बी पॉइंट लिए, तो इससे आप दो ही स्पर्श रेखा क्या करते हैं खींच सकते हैं, यह आपका दो स्पर्श रेखा क्या होगा, दो स्पर्श रेखा होगा, तो इसलिए बाह्य स्पर्श करने वाला दो वृत्त के उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी, आपकी दो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेमी, तो पी क्यू की लंबाई क्या है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक क्या करना पड़ा, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। लिखा है कि एक 5 सेमी त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है, यह आपका मान लीजिए 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त है वो है, यह क्या है पी है, और बोला है कि इससे क्यू कुछ दूर पर है और पी क्यू क्या है स्पर्श रेखा है, तो यह कितना है 5 सेमी, और ओ क्यू कितना दिया है 12 सेमी, कि लिखा है कि इस प्रकार मिलती है कि बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर, ओ से क्यू बराबर क्या हो गया 12, तो कह रहा है आपको कि पी क्यू की लंबाई क्या है, तो पी क्यू ही ना है भाई, तो यहाँ पर देखिए यह केंद्र से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, या आपका 90 डिग्री हो तो यह हाइट कंटिन्यूज क्या होगा यही होगा, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 हो जाएगा रूट अंडर 119 इकाई, कितना हो जाएगा 119 इकाई, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा रूट अंडर 119। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, लिखा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल अनुपात क्या दिया है 4:9 दिया है, 4:9 दिया है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात जैसे मान लें कि पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर दिया है,
आपको 4/9, और कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये कट जाएगा और R1/R2 बराबर है √4/9 2:3। तो क्या हो जाएगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 अनुपात में त्रिज्या पर क्या होगा, तो हो जाएगा 2:3। यानी कि आपको क्षेत्रफल दे दिया हो और त्रिज्या का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल दिया हो त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो क्या कीजिएगा आप, इसको √ कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, रूट में डाल दीजिएगा। तो रूट में 2 4 का हो जाएगा 2 9 हो जाएगा 3। 42 में है कि कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूला हम जानते हैं कि θ/360 πr², θ/360 πr² यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है कि दो वृत्तों के व्यास 9 cm, 9 cm और 7 cm है, तो उनके क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों का व्यास, तो दो वृत्त का व्यास जब आपको दिया है, क्या दिया है, एक दिया है 9 cm और एक दिया है कितना, एक दिया है 9 cm, दूसरा दिया है 7 cm, उनके क्षेत्रफल अनुपात पूछ रहा है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो दिया है आपको कि दो वृत्तों के व्यास 9 cm 7 cm, तो उनका अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 9/2, और R2 निकालेंगे तो हो जाएगा 7/2। इसलिए उनके क्षेत्रफल तो πr1² / πr2², तो 9/2 यह तो आपका कट गया, इसका √7/2 का स्क्वायर, ये जगह 9981/4 इंटू ये जगह 4/49, यह कट जाएगा आपका, आ जाएगा 81:49। तो क्या हो गया आपका 81:49। कहता है वृत्त का व्यास उनकी त्रिज्या का क्या होता है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का क्या होता है। तो वृत्त का व्यास जो त्रिज्या का दोगुना होता है, क्या होता है, दोगुना होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का मतलब कि वृत्त का आधा, तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला जो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 3πr², क्या होता है 3π², केवल अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हो जाएगा 2πr², लेकिन पूछ दिया संपूर्ण, तो संपूर्ण हो गया 3πr². कहता है 3 4 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि सबसे बड़ी बारंबारता, बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता। देखिए 3 कितना बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 कितना बार आया है, एक बार आया है, 7 1 2 3, तो यह सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 7 आया है, तो सबसे बड़ी बारंबारता को बहुलक कहते थे, इसका क्या हो जाएगा 7 होगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार में कौन आया है, तो 5 1 2 3 4, 4 बार आया है, और 3 1 बार 2 1 बार, तो कौन होगा आपका 5 होगा। ये कहता है कि यदि ई कोई घटना हो तब PE+PE- का मान क्या होगा। तो यह घटना है और घटना नहीं है, तो घटना और घटना नहीं का जोड़ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता 1 होती है, सही है, 0 से ज़्यादा होती है, सही है, ये भी 0 से ज़्यादा तो सही है, लेकिन किसी घटना की प्रायिकता जो होती है निगेटिव में नहीं होता है, निगेटिव में नहीं होता है, उसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, 1 होता है, 1 से छोटा होता है, क्या होता है, 1 से छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए किसी घटना की प्रायिकता जो होती है निगेटिव है, नहीं होती थी, क्या हो गया -7। थैंक्स माई वॉचिंग वीडियो। इसी तरह का वीडियो मैं आपको अपलोड करते रहूँगा जो आपको VVI क्वेश्चन है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों और दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको
क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो आपको बहुत एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। मैं अब यह कामना करता हूँ कि आपको अवश्य बोर्ड एग्जाम में सफलता मिलेगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली में सेट सीरीज के रूप में आपको VBI क्वेश्चन मिलने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो।